वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम मनोज कोले, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा MI 55 इंच का एक LED टीवी है 4K। ये क्या प्रॉब्लम है देखिए, बहुत बढ़िया सेट है, ऐसा पकड़े के बहुत रिस्क होता है, तो उसको मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। स्विच ऑन करता हूँ, देखिए स्विच ऑन किया है, पावर लाइट आया है नीचे तरफ, देखिए दोस्तों देखते रहिए, वीडियो बहुत ही सेंसिटिव होगा। इतना थिकनेस है, मैं आपको दिखाऊंगा, इतना थिकनेस है ये, इसको पकड़ के बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पावर लाइट आया है नीचे में, देखो स्टैंड में रिलीज करो, स्टैंड में रिलीज कर दो, देखिए स्टैंड में रिलीज हुआ, पुश करके छोड़ दो, हो जाएगा ब्लिंक स्टार्ट होगा, छोड़ दो ब्लिंक हो, छोड़ दो, एक सेकंड टाइम लगेगा थोड़ा सा, चालू हुआ। देखिए इसमें क्या फॉल्ट है, देखिए बैकलाइट ओके, नो डिस्प्ले, आप देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। बिग स्क्रीन है, इतना थिकनेस है, आपको कैमरे में एक बार दिखाऊंगा, एक पकड़ रखे बहुत प्रॉब्लम होता है, ज्यादा टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये फॉल्ट मैं कैसे रिपेयर करूंगा, डिटेल्स आप लोगों को दिखाऊंगा, शेयर करूंगा। और दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट अपडेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा 27-30 दिसंबर मंथ का लास्ट वीक में, ओनली फॉर 4 डे पैनल। ऐसा टाइप काम आप सीखना चाहता है, अचीव करना चाहता है, मेरा जो नंबर है इस नंबर में आप कॉन्टेक्ट करिए डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों दिसंबर तो है, जनवरी फरवरी मार्च एवरी मंथ मेरा प्रोग्राम है, आपका टाइम मिलेगा तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं कैसे रिमूव करूंगा, बैक कवर ओपन करके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। ओके देखते रहिए दोस्तों जो MI 55 इंच का जो LED टीवी आप देख रहा था, बैकलाइट ओके नो डिस्प्ले, वो पूरा बैक कवर में ओपन किया है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है दोस्तों। देखिए ये मेन PCB है, एंड्रॉयड है, और ये पावर सप्लाई बढ़िया पावर सप्लाई है। देखिए एक काम करने का थोड़ा बहुत रिस्क है, इसमें पैनल देखिए सैमसंग पैनल यूज किया है, ठीक है। तो इसका थिकनेस देखिए, पैनल का नंबर देखा दीजिए, इधर इधर देखाइए, वो एक नंबर है, और इधर भी देखा दीजिए, ये दोनों नंबर का ई धार कहाँ पर है, इसको ये जो नंबर है देखिए V550, ये भी नंबर और ये भी नंबर, इधर देखाइए स्केलर में, ये दोनों नंबर का एक डिफरेंस है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन अब पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा, उसका बारे जो चेकअप करना पड़ेगा वो मैं टेस्ट करूंगा। और एक बात है दोस्तों, यहाँ पर इसका टीवी का थिकनेस देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको डिटेल देखा था, इधर से देखिए, थोड़ा सा आगे जाइए, देखिए कितना थिकनेस है, अब देखिए देखिए इतना क्या थिकनेस है, अब देखिए पतला वाला माल है, देखिए आप देखिए बहुत ही नैनो, ऐसा थिकनेस है, आप सोचिए ये क्या है, बहुत ही छोटा, ठीक है, नैरो जिसको बोलते हैं नैरो, इतना थिकनेस है। इसको मैं वोल्टेज तो चेक करूंगा, ये 4K पैनल है, 4K सुनने का बात डरने का कोई बात नहीं है दोस्तों, 4K क्या है, वो एक रेजुलेशन है, ठीक है, उस आप सुनेंगे 4K टीवी है ये कितना क्या है, उसका बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। 4K एक रेजुलेशन कोड है, 4K है 8K है हो सकता है, उसको रेजुलेशन है, उसका बारे में ज़्यादा कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। देखिए इसको जो चेक करना पड़ेगा पैनल PCC, अब देखिए ओ सेट तो स्टैंड बाई रिलीज करना पड़ेगा, देखिए इसमें मैं स्टैंड बाई पावर कनेक्ट किया है, देखिए पावर लाइट आया है, मैं थोड़ा सा टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, देखिए स्टैंड बाय रिलीज कर रहा हूँ, देखिए स्टैंड बाय रिलीज किया, इधर देखिए वोल्टेज आ जाएगा, देखिए 12 वोल्ट प्रेजेंट हो गया, बूटिंग हो रहा है, ठीक है 12 वोल्ट नौ, ठीक है जी, ठीक है 12 वोल्ट प्रेजेंट है,
इसका साथ देखिए, इधर देखो 12 वोल्ट प्रेजेंट है, ठीक है 12 वोल्ट प्रेजेंट है, तो उसका साथ देखिए, ये जो है देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसर है, त्रिकोण प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों आईसी लगा हुआ है, देखिए ए डीसी टू डीसी आईसी है, ए भी डीसी टू डीसी आईसी विथ लेवल शिफ्टर, दोनों आईसी यूज किया है, इसमें भी डीसी टू आईसी, इसमें भी डीसी टू डीसी वर्क है थोड़ा, और ये पूरा वोल्टेज जनरेट करने के लिए। यहाँ पर क्या वोल्टेज है आप देखिए, सबसे पहले देखूंगा यहाँ पर एबीडीडी देखिए, एबीडीडी देखिए, एबीडीडी पॉइंट यहाँ पर है, देखिए एबीडीडी में कुछ वोल्टेज नहीं है, ठीक है एबीडीडी में कुछ वोल्टेज नहीं है, चलो ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो कुछ नहीं होगा, एबीडीडी में कुछ वोल्टेज नहीं है। और यहाँ पर देखिए वॉन, वॉन तो नहीं होगा, थोड़ा सा पॉइंट वोल्टेज है देखिए, और यहाँ पर देखिए VSS, VSS में देखिए थोड़ा सा पॉइंट वोल्टेज है, तो इसमें क्या है देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट है दोस्तों, 3.3 वोल्ट इज ओके, 3.3 वोल्ट इज ओके, और यहाँ पर क्या है देखिए 1.8 वोल्ट इज ओके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एच भिन, एच भिन क्या है, एच भिन और भिन का मतलब क्या है, इसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरा जो अपडेट प्रोग्राम है 27 दिसंबर से, उसी प्रोग्राम में आपको अटेंड करना जरूरत है, डिटेल्स बताऊंगा तो टाइम लॉन्ग टाइम हो जाएगा, आप वीडियो मत, आप वीडियो नहीं देखेंगे, एक घंटा डेढ़ घंटे का वीडियो आप देखेंगे दोस्तों। तो चलिए, तो यहाँ पर जस्ट आपको मैं गाइड करता हूँ, आपको रास्ता दिखाता हूँ, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेसर है, ये दोनों डीसी डीसी आईसी यूज किया है, इसका साथ लेवल शिफ्टर भी है, यहाँ पर एक पीसी लगा हुआ है, लेफ्ट राइट दोनों स्केलर है, दोनों स्केलर को ज्वाइंट करने के लिए। ये प्रोसेसर पूरा फिक्स्ड है, बहुत हीट हो रहा है ज़्यादा, इसको मैं फाइंडिंग करूँगा कहाँ पर क्या फॉल्ट है। यहाँ पर देखिए कॉफ लगा हुआ है, देखिए 1 2 इधर दिखाइए, 1 2 3 इधर दिखाइए, 3 4 चार कॉफ लगा हुआ है, इतना बढ़िया पैनल है, चार कॉफ लगा हुआ है, लेकिन ये हैंडलिंग करने के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं देखूंगा पूरा सेट रेडी होगा, रेडी करूंगा, मैं कोशिश करूंगा रेडी करने के लिए, रेडी होगा कि नहीं होगा अभी तक मैं नहीं जानता हूँ, रेडी होगा तो आपको मैं वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगा, नहीं होगा तो तब भी दिखाऊंगा, सोचूंगा क्या करूंगा, ठीक है। पहले तो इसको फाइंडिंग करना पड़ेगा कहाँ पर क्या फॉल्ट है, बहुत बढ़िया सेट है, इसमें कैमरा रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो आपको मैं जो रेडी होगा तो एनिमेशन का तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों जो MI 55 इंच का टीवी आप देख रहा था, मैं को वोल्टेज चेक करके थोड़ा दिखाया, देखिए इसमें मैं फाइंडिंग किया है लेकिन कंफर्म नहीं है, वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों आईसी यूज़ किया है, देखिए एक 6RT 6935 6939, ठीक है 6935 6939 दोनों आईसी यूज किया है। इसमें क्या है देखिए दोस्तों, ए डीसी टू डीसी आईसी ए भी है, ए भी इसका अंदर भी है, दोनों का अंदर भी है। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है मेरा अपडेट प्रोग्राम में जो सिखाता हूँ, जो मान लीजिए आपका पास डेटा सीट नहीं है, आपको ये देख के रीड करना चाहिए, ए कौन सा क्या पर कौन सा मॉस्फेट कौन सा ट्रांजिस्टर कौन सा डायोड कहाँ पर यूज किया है, ये नॉलेज होना चाहिए, तब भी आप जो भी स्केलर हो उसमें काम कर पाएंगे। सर्किट का नॉलेज होना चाहिए, एबीडीडी का सर्किट कैसे होता है, VGL का सर्किट कैसे होता है, VGH का सर्किट कैसे होता है, HABDD का सर्किट कैसे होता है, VSS का सर्किट कैसे होता है, वो देख के आपको सर्किट यहाँ पर स्टडी करके आप समझ पाएंगे ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है कौन सा डायोड कौन सा मॉस्फेट कौन सा पॉइंट में लगा हुआ है।
यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, डिटेल्स में करने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर देखिए एच भिन यहाँ पर लिखा है, ये सिक्स पिन का जो मॉस्फेट है ना, ये एच भिन का काम करता है, तो एच भिन का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए एक कॉयल है, एक डायोड है, ठीक है। यहाँ पर एक सिक्स पिन का मॉस्फेट लगा हुआ है। ये मॉस्फेट आप कैसे पहचानेंगे, वो पहचाने का तरीका वो मेरा अपडेट प्रोग्राम में मैं समझता हूँ। देखिए तो इसमें ये सिक्स पिन का मॉस्फेट है, ये एक्चुअल एवरीडी स्विचिंग करता है। ज्यादातर सेट में एवरीडी स्विचिंग का मॉस्फेट वो आईसी का अंदर रहता है, इसमें बाहर डाल दिया, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। सर ये कहाँ पर क्या आया गया, इसी जगह से सारा टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर देखिए सिक्स पिन का मॉस्फेट देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझता हूँ। सिक्स पिन का मॉस्फेट देखिए, 1 2 3 पावर ऑफ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ए सॉरी एक सेकंड देखिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही है, तो एक बार देख लो, एक सेकंड दोस्तों। हाँ ऐसा ही है, ठीक है, इसको देख लो, 1 2 3 4 5 6 तो इसमें ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट है, ठीक है, ये चार पिन शॉर्ट रहेगा देखिए, और यहां से यहां तक देखिए, देखिए कुछ नहीं है, तो इसमें आपको यहां पर टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए ये है सोर्स, ठीक है, ये चार पिन ड्रेन है, ये एच पिन का मॉस्फेट है। ये मॉस्फेट तो मेजरमेंट सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मॉस्फेट है इसको मैं थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये भी एन चैनल का मॉस्फेट होगा, पी चैनल है, ये एन चैनल मॉस्फेट होगा। एन चैनल मॉस्फेट मेजरमेंट करने के लिए जो प्रोसीड्यूर है वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कुछ बीप नहीं आ रहा है, ये डायट का नहीं, इसमें तो पी चैनल बोल रहा है, एन चैनल होगा, एन चैनल होगा तो ऐसा करना पड़ेगा। देखिए इसमें कुछ बीप साउंड नहीं आ रहा है, देखिए डायट रेंज में कुछ शो नहीं हो रहा है, इसमें थोड़ा सा मैं दिक्कत हो रहा है। ये भी खराब हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको रिमूव करके, ये तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास दूसरा स्केलर है, वहाँ से मैं निकल के वो कहाँ पर गया, इसमें है, इसी सर्किट में वो मॉस्फेट कहाँ गया रे, निकल दिया क्या पर है, ये स्केलर में देखिए, इसी स्केलर में थोड़ा सा उसका टाइप काम किया है। यहाँ से देखिए ए वाला जो मॉस्फेट, अब दिखाइए ए वाला जो मॉस्फेट है ना, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पर लगाऊंगा, एक बार देखूंगा। देखिए दोस्तों ये एन चैनल का मॉस्फेट है, इसको इधर इधर रखिए, कोई बात नहीं। देखिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एन चैनल का मॉस्फेट है, देखिए ठीक है, देखिए ना ये दूसरा स्केलर है, ये कहाँ से मैं परचेस करने जाऊँगा, इसको ट्राई करके देखूंगा, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो क्या करेगा, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो और अच्छा, और क्या करेंगे। इसको मैं रिमूव करके यहाँ पर एक बार लगाऊंगा। देखिए दोस्तों इसको मैं रिमूव करता हूँ, अब देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेंगे इसी से। वीडियो थोड़ी सा लंबा हो सकता है, आपको कुछ नॉलेज मिलेंगे, एक मिनट, एक सेकंड थोड़ा सा डिस्टर्बेंस।
दोस्तों ऐसा नॉलेज अब खुद अचीव करना चाहता है, सीखना चाहता है, सर्किट फाइंडिंग करने के लिए क्या तरीका है वो मैं पूरा डिटेल्स मेरा अपडेट प्रोग्राम में बताता हूँ। आप चाहेंगे तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नंबर इधर है 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी वहाँ गलत हुआ था 1 2 3 4 एक मिनट इसमें ऐसा छोटा मार्किंग है ना बहुत दिक्कत होता है। देखिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको देखाऊंगा। देखिए रिमूव करता हूँ आपको देखाऊंगा। रिमूव करूंगा आपको देखाऊंगा। देखिए ये आयरन से ही हो जाएगा, यहाँ पर ब्लोअर मैं नहीं यूज करूंगा, थोड़ा सॉरी है। मेरा मीटर साउंड हो गया था। देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लोअर से अच्छा होगा, हिट नहीं आ रहा है यहाँ पर। दोस्तों इसको थोड़ा सा हार्ड सोल्डरिंग है, ये आयरन से नहीं होता है। ठीक है आप देखते रहिए इसको मैं रिमूव करके ये यहाँ पर लगा के आपको देखाऊंगा। होगा तो होगा भी देखाऊंगा, नहीं होगा तब भी देखाऊंगा। ठीक है दोस्तों देखिए ये जो मॉस्फेट है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, स्किप मत करिए, थोड़ा सा देखते रहिए। होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो क्या करूँगा, लेकिन हम तो चाहता है होना चाहिए, सब कुछ हो रहा है। देखिए इसको मैं रिमूव कर दिया ना, देखिए यहाँ से रिमूव कर दिया, ये कहाँ पर गया ये वाला, यहाँ से यहाँ पर लगाऊंगा, लेकिन लगाने का थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, टाइम लगेगा। ये 6 पिन का है, ये 3 पिन का होगा, थोड़ा दिक्कत होगा। मैं ज्वाइंट करूँगा, अब देखते रहिए। चलिए दोस्तों जो मॉस्फेट मैं कनेक्ट कर रहा था उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता हो रहा था आयरन में। देखिए यहाँ पर अच्छा जूमिंग करके देखा, यहाँ पर मैं उस किलर से मॉस्फेट निकल के यहाँ पर लगाया, कनेक्ट किया है ऑलरेडी, तो इसको पावर ऑन करके देखूंगा क्या होता है। और दोस्तों एक मिस्टेक हुआ था, ये जो 6 पिन का मॉस्फेट है ना 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ऐसा करके आपको काउंटिंग करना पड़ेगा 1 2 5 6 वो ड्रेन होता है। ठीक है तो थोड़ा सा उस टाइम, लेकिन देखिए कहाँ पर क्या है, इतना छोटा छोटा सामान है, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कभी कभी क्या है। ठीक है इसको मैं देखिए स्विच ऑन करता हूँ। देखिए जो होता है लाइव होता है दोस्तों, वो सेकेंड टाइम ऐसा नहीं होगा। इसको मैं स्टैंड बाई रिलीज करूँगा, पावर दिया है, देखिए स्टैंड बाई रिलीज किया यहाँ पर 12 वोल्ट तो आ जाएगा। देखिए 12 वोल्ट VCC आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले एवरीडी को देखूंगा। देखिए एवरीडी में पॉइंट लगा रहा हूँ, देखिए या दोस्तों एवरीडी वोल्टेज जनरेट हुआ है। देखिए एवरीडी वोल्टेज जनरेट हुआ है, देखिए और देखिए यहाँ पर देखिए भवन वोल्टेज भी जनरेट हुआ। ठीक है और VSS भी देखिए
देखिए VSS वोल्टेज भी जनरेट हुआ हो, VGL है, VGL से VSS जनरेट होता है। देखिए तो ये MOSFET लगाने का बाद ये डीसी टू डीसी आईसी जो है वो वर्किंग स्टार्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, मैं भी इसका बारे कंफ्यूज था, होगा कि नहीं होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कोशिश तो करना पड़ेगा। मेरे पास तो बॉन्डिंग नहीं है, वो स्केलर चेंज करूंगा, जो करूंगा हार्ड वर्क करके, होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो छोड़ देता हूँ, क्या करेंगे। देखिए इसको वोल्टेज तो जनरेट हो गया, मैं देखूंगा स्क्रीन में कुछ आया है कि नहीं आया है, इसको एक बार सेट थोड़ा सा देखाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा आपको। देखिए बहुत भारी सेट है, वेटी, बहुत वेटी सेट है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, जूमिंग कुछ हो रहा है। देखिए दोस्तों, ओके एवरीबॉडी, दोस्तों वीडियो आ गया, देखिए तो ऐसा नहीं होता, देखिए डिस्प्ले आया है, स्टार्ट हुआ है, ये बढ़िया सेट है। इतना करके आपको देखने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, रेडी होगा तो आपको चला के दिखाऊंगा, देख लीजिए यार, चला के देखने का क्या पड़ेगा। रेडी तो हो गया, सेट स्टार्ट हो गया, तो पिक्चर क्या देखेंगे, पिक्चर देखिए, पिक्चर तो यह है, थोड़ा सा पिक्चर भी चला के दिखाऊंगा, और क्या है देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, इसी पर देख लीजिए, सेकंड टाइम मैं नहीं ऑन करूंगा इसको, बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें ऑन करने के लिए ना, बहुत दिक्कत होता है। डेमो पिक्चर ऑन करिए, देखिए देखिए दोस्तों, पिक्चर सही आ रहा ना, देख लीजिए क्लियर पिक्चर आया है, देखिए क्लियर पिक्चर आया है। तो दोस्तों ऐसा वीडियो आप देख के आप कुछ को नॉलेज मिला, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका लाइक सब्सक्राइब एक काम करने के लिए मोटिवेटेड करेगा हमको, ठीक है। और मेरा जो प्रोग्राम है उसी प्रोग्राम में इसका नॉलेज मैं पूरा देता हूँ, पूरा क्यों, सर्किट देख कर आपको पहचाना पड़ेगा क्या यूज किया है, कौन सा सर्किट यूज किया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जरूरी है, ये आपको होना चाहिए, नहीं तो आपको काम करने का बहुत दिक्कत होगा। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।